ये कोई ये आज नहीं हुआ है, ये अनेकों वर्षों से चल रहा है और कई सरकारें निकल रही हैं। अब लोगों को उम्मीद हुई है, इसलिए बैठक कर रहे हैं वो, कि भी इस सरकार ने उनकी मांगों को समझने और उनको पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज तक आउटसोर्स कोई इसी सरकार में थोड़ी नहीं आया है, पिछली सरकार में पीटर हॉफ में आउटसोर्स एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा सम्मेलन जो है वो किया था, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री को मुकुट पहनाया गया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए थे वो। लेकिन ठाकुर जयराम जी ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, कैबिनेट सब कमेटी इस पर काम कर रही है, कैबिनेट सब कमेटी आज घोषणा हो गई और कल काम हो जाएगा ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि पूरे प्रदेश से कहां कहां आउटसोर्स पर लोग रखे हैं, कितना पैसा लग रहा है, किस तरह की आउटसोर्सिंग है, बहुत सारे जो है सोसाइटी के तरफ से कर रहे हैं, बहुत लोग जो है वो सीधे डिपार्टमेंट ने रखे हैं, कुछ लोग कंट्रेक्टर्स ने रखे हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा ना। कैबिनेट सब कमेटी सारा रिकॉर्ड मंगवा रही है, सारी जानकारी ले रही है, उस पर जो है वो फिर विचार विमर्श होगा और उसमें सुजेशन जो है वो चाहे वो एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन हो या और भी है कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की समस्या नहीं है, ये विश्व भर में जो है वो इस तरह कैसे होता है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आधार पर जो है हिंदुस्तान में भी हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश